मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र के सिद्धांत, जिसके अंदर टॉपिक व्यक्ति और समाज में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग व्यक्ति और समाज के जो संबंध हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति समाज पर निर्भर है और समाज व्यक्ति पर निर्भर है, एवं पारस्परिक रूप से ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। हमने जब बात की थी जब समाजशास्त्र की परिभाषा हमने दी थी या समाजशास्त्र की परिभाषाओं का अध्ययन किया था, तब हमने देखा था कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों के विषय में है, एवं इसके जाल को, इन सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं, या समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है वैज्ञानिक विधियों से। तो जहाँ पे भी सामाजिक संबंधों की बात आती है, तो ये सामाजिक संबंध किन में निर्मित होते हैं, किनके द्वारा निर्मित होते हैं एवं कैसे निर्मित होते हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे। और जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, और समाज है, उनके अंदर कैसे अंतःक्रिया होती है, कैसे सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और कैसे वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इनकी आज हम लोग विषय चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने जब देखा है कि जब समाजीकरण, किसी बालक का समाजीकरण होता है और धीरे धीरे वो संस्कृति को सीखता है, जो सामाजिक मानदंड हैं, मूल्य हैं, उनको सीखता है और समाज का सदस्य बनता है, समाज के नियमों के अनुसार कैसे आचरण उसे करना है वो समाज में रहकर वो सीखता है। जैसा कि पार्सन्स ने भी कहा है कि जब संस्कृति का आंतरिकरण होता है तो व्यक्तित्व व्यवस्था का निर्माण होता है, कि जब व्यक्ति संस्कृति हस्तांतरित होती है और व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति का हस्तांतरण करता है, और जब नई पीढ़ी के लोग उस संस्कृति को सीखते हैं, उसका आंतरिकरण करते हैं, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अर्थात व्यक्ति समाज में रहकर उसे कैसे जीना है, किन नियमों के आधार पर जीना है एवं कौन से वे सामूहिक आदर्श हैं जिन्हें उन्हें उसे मानना है, इन सब का जो ये जो सब चीज़ें सीखता है व्यक्ति, वो समाज में रहकर सीखता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति और समाज है आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं या घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है संस्कृति, कि विशिष्ट संस्कृतियों के द्वारा व्यक्ति और समाज आपस में जुड़े होते हैं। और जो मानव है, मनुष्य है, उसने संस्कृति का निर्माण करके अपने समाज को सामाजिक सांस्कृतिक समाज बनाया है, कि किस प्रकार से संस्कृतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और नई पीढ़ी के द्वारा पुरानी पीढ़ी के जो नियम हैं, सामाजिक नियम हैं, मूल्य हैं, मानदंड हैं, प्रतिमान हैं, वो सब सीखे जाते हैं और उन्हीं के आधार पर धीरे धीरे जो व्यक्ति है समाज में रहकर सामाजिक प्राणी बनता है। और जब वो सामाजिक प्राणी, जैविक से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया है, उसकी जो उसका समाजीकरण है, वो व्यक्ति समाज में रहकर ही सीखता है और भाषा और प्रतीकों के माध्यम से संस्कृति को आत्मसात करता है या संस्कृति को सीखता है और सामाजिक प्राणी बनता है। तो इस प्रकार से अनेक व्यक्ति परस्पर प्रक्रियाएं करके समाज का निर्माण करते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं होती है, अंतःक्रियाएं होती है, उनके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, साथ ही समाज में सामाजिक संबंध निर्मित होते हैं। संस्कृति ही व्यक्ति को ये सिखाती है कि उसे कैसे सामाजिक संबंध निर्मित करने हैं। तो अब हम आज के इस वीडियो में, इस चैप्टर में, हम लोग जो समाज के जो पारस्परिक संबंध हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम व्यक्ति की समाज पर निर्भरता क्या है, समाज की व्यक्ति पर निर्भरता क्या है, और व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति समाज पर निर्भर है, किस प्रकार से समाज व्यक्ति पर निर्भर है एवं किस प्रकार से दोनों अंतः संबंधित होते हैं। जब भी हम किसी भी सोशियोलॉजिकल चैप्टर को, टॉपिक को या विषय को उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें वो देखने को मिलता है,
केवल उस व्यवहारिकता को जब सैद्धांतिक रूप में हम देखते हैं, साइंटिफिक रूप में हम देखते हैं, तो वो हमें हमारी बुक्स में, किताबों में या हमारी अध्ययन सामग्री में देखने को मिलता है। परंतु ये सभी चीज़ें हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी होती है। हम देखेंगे कि जो समाज है उस पर व्यक्ति कितना डिपेंड होता है, या यदि हम गहराई से इसका अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो व्यक्ति के कार्य होते हैं वो उसकी संस्कृति पर ही निर्भर होते हैं। अर्थात समाज में रहकर जिस संस्कृति को व्यक्ति सीखता है उसी के अनुरूप व्यक्ति कार्य करता है। अब है समाज की व्यक्ति पर निर्भरता, कि किस प्रकार से व्यक्ति पर समाज निर्भर करता है। तो जो मानव समाज है उसको यदि शाब्दिक अर्थ में हम देखें तो मानव का समाज अर्थात वह समाज जो मानव का है या मानव द्वारा निर्मित है। इसलिए जो मानव के अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि हम सोचें, हमने जब शुरुआत में बात की थी, कुछ वीडियो पहले, कुछ चैप्टर्स के पहले हमने बात की थी कि व्यक्ति कभी भी समाज का निर्माण नहीं करता है। जब हम समाज की डेफिनेशन दे रहे थे तब कि व्यक्ति के द्वारा कभी भी समाज का निर्माण नहीं किया जाता है, जो व्यक्ति के संबंध हैं उनके द्वारा समाज का निर्माण किया जाता है। तो जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है उसे समाज के का जो अर्थ है वो है सामाजिक संबंधों का जाल, अर्थात सामाजिक संबंधों के जाल का निर्माण करना, दो या दो से अधिक सदस्यों में जो परस्पर अंतःक्रियाएं होती है, सामाजिक संबंध बनते हैं, संगठनात्मक एवं विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं होती है आदि के द्वारा समाज का निर्माण होता है। और जो मानव समाज के सदस्य होते हैं वो होते हैं व्यक्ति, कि किसी भी जब समाज के साथ मानव जुड़ता है, कि मानव समाज का जिक्र जब हम करते हैं तो उसके सदस्य कौन होते हैं, उसके सदस्य व्यक्ति होते हैं। और व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक क्रियाएं होती है, सामाजिक अंतःक्रियाएं होती है, जो सामाजिक संबंध निर्मित होते हैं वो ही मानव समाज का निर्माण करते हैं। इसलिए व्यक्तियों तथा उनके मध्य जो सामाजिक संबंधों का जाल है उसके अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव समाज या मानव संबंधों के जाल पर ही आधारित होते हैं। अर्थात जो समाज है वो भी व्यक्ति पर एक प्रकार से निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि किसी भी समाज का निर्माण कैसे होता है, समाज का निर्माण होता है व्यक्ति द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों से। और अनेक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अध्ययन किया कि किस प्रकार से जो अनेक बच्चे हैं जिनका अध्ययन किया कि वो कैसे समाज से पृथक जीवन व्यतीत करके किस प्रकार से, जैसे किंग्सले डेविस ने अन्ना नामक लड़की का अध्ययन किया, तो 1938 में जब अन्ना नामक लड़की का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि इसके प्रारंभ के 6 वर्षों तक, मतलब जब से लड़की पैदा हुई उसके 6 वर्षों तक उसे एक पृथक कमरे में बंद कर दिया गया, एक अलग से कमरे में रखा गया। तो इस पीरियड के अंदर, इस दौरान उसे किसी भी मानव से संपर्क में नहीं आने दिया, उसका और किसी भी मानव का संपर्क नहीं हुआ, उसे कुछ नहीं सिखाया गया। परंतु जब धीरे धीरे 6 वर्ष बाद उसे देखा गया और उसका अध्ययन किया गया तो ये निष्कर्ष निकले या परिणाम आए कि वह लड़की चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, उसका जो व्यवहार था वो पशुतुल्य था, अर्थात वो पशुवत व्यवहार करने लगी थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसकी परिस्थितियाँ ऐसी रखी गई जहाँ पे मानव का संपर्क उससे नहीं किया गया है, मानव के साथ में उसे नहीं रखा गया, तो उसकी ये दशा हो गई। तो जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, वो समाज पर या मानव समाज पर पूरी तरह से निर्भर होता है। हम देखेंगे कि जो हमारा समाज सोसाइटी है वो एक अत्यंत जटिल व्यवस्था है। और जटिल कैसे है ये, कि जो मानव संबंध होते हैं, मानव संबंध अत्यंत जटिल होते हैं। मैंने इसका एग्जांपल पहले भी दिया था कि हो सकता है कि कुछ समय पूर्व आप मेरे बारे में कुछ और सोचते थे और हो सकता है आने वाले 1 साल बाद आप मेरे बारे में कुछ और सोचने लगे। अर्थात हो सकता है अभी आप सकारात्मक हो या अभी आप नकारात्मक हो, और इसमें बदलाव की संभावना होती है। इसलिए जो समाज है वो मानव संबंधों पर निर्मित है और ये एक जटिल व्यवस्था है।
तो इस जटिल व्यवस्था और संबंधों के जाल के निर्माता इसके सदस्य व्यक्ति हैं जो निरंतर परस्पर क्रियाएं करते रहते हैं, और उनकी जो निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया है वो गतिशील और परिवर्तनशील होती है, अर्थात वो बदलती रहती है। हम समाज को केवल विशेषताओं की कल्पना मानव के अभाव में नहीं कर सकते, अर्थात मानव के अभाव में हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो समाज की विशेषताएं हैं उसका निर्माता और वाहक मानव स्वयं है। तो समाज मानव का है, मानव के लिए है और मानव के द्वारा है। अतः इस समाज के अस्तित्व की कल्पना मानव के अभाव में नहीं की जा सकती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो समाज है वो भी मानव पर निर्भर करता है। अब है व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता कि एक इंडिविजुअल और सोसाइटी ये आपस में कैसे निर्भर होते हैं। तो सबसे पहले तो व्यक्ति की समाज पर निर्भरता और समाज की व्यक्ति की पर निर्भरता, इसका हमने अध्ययन किया। लेकिन जो वास्तविक बात है, यदि हम गहराई से इसे समझेंगे तो व्यक्ति और समाज पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के अभाव में दूसरे का विकास या दूसरे का होना संभव नहीं है। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व हम नहीं देख सकते। और जैसे हमने देखा कि व्यक्तियों के अभाव में समाज का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था समाज के बिना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों से होता है और सामाजिक संबंध व्यक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं। जो समाज है वो व्यक्ति के अस्तित्व के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि व्यक्तियों का समूह। समाज के निर्माण, संगठन, एकता, संतुलन और निरंतरता के लिए आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति तो समाज की इकाई है, तो समाज इन व्यक्ति रूपी इकाइयों का पूर्ण रूप है, अर्थात इन व्यक्ति रूपी इकाइयों से मिलकर समाज बनता है। जब हम बात करते हैं कि व्यक्ति समाज का निर्माण नहीं करते हैं, परंतु जब बात करते हैं कि समाज में व्यक्तियों का निर्माण होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, अंतर्निर्भर होते हैं। अनेक व्यक्ति एक दूसरे से सामाजिक क्रियाएं करते हैं, सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, तो समाज उनकी परिस्थिति और भूमिकाओं को निश्चित, निर्देशित और संचालित करता है। जब हमने परिस्थिति और भूमिका की बात की थी, स्टेटस एंड रोल की बात की थी, तो हमने देखा था कि स्टेटस और रोल ये कौन प्रदान करता है व्यक्ति को, व्यक्ति को उसका पद और परिस्थिति कौन प्रदान करता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है सोसाइटी, समाज। समाज के द्वारा ही व्यक्ति को पद प्रदान किया जाता है, चाहे वो अर्जित हो, चाहे वो प्रदत्त हो, चाहे वो समाज के द्वारा दिया गया हो या अर्जित हो। हम यहाँ अगर बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कोई कार्य मिलता है और उसका पद समाज में उच्च होता है या उच्च स्थिति उसे प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। कि जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं, तो ये भी समाज का एक पार्ट है। जो परिस्थिति अथवा भूमिका है व्यक्ति को, वो भी समाज के द्वारा ही दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों को, परिस्थितियों को समाज निश्चित करके सामाजिक श्रेणियां और उनका उच्चता और निम्नता के आधार पर स्थिरीकरण करके सामाजिक संरचना का निर्माण करता है, और व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।